गरम सड़कों, बियाबान जंगलों और घने कोहरों को चीरते हुए रवि जी की खुफिया जानकारी के बाद हम चारों अध्यापक पहुंचे लंढौर शहर। लंढौर शहर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, सिंधी विच्छेद आप खुद कर लीजिए। हम इतनी जल्दी में थे कि हमने लंढौर शहर की सिर्फ गली ही देखी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी लंबी गली कि मेरा तो सर ही चकरा गया। इस विचित्र नाम वाले शहर में बड़ी बसें नहीं चलती हैं, जिसके कारण यात्रीगणों को पैदल ही अपना सफर पूरा करना पड़ता है और अपने सामान का भी स्वयं ही ध्यान रखना पड़ता है। 8 दुकानें खोलकर यहाँ के लोग 4 दुकान का धंधा चला रहे थे और इस जगह को अभी भी 4 दुकान के नाम से जाना जा रहा था। लाल टिब्बा पहुंचते ही रवि जी ने सबसे पहले अपने बाल सवारे। इतनी सारी स्कूटी खड़ी थी, निशान जी तुरंत बोले, मैं इनके लिए अभी एक ग्राहक ढूंढ कर लाता हूं। तभी राहुल जी की नजर एक प्राचीन चर्च पर पड़ी, वो बिना परमिशन लिए तुरंत अंदर चले गए। हम सभी चर्च में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे। मैंने कहा, गुरुजी जूता तो निकाल दो। वहां एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, पर हमने कुछ दान नहीं दिया। फोन स्विच ऑफ करके मैं गुप्त तरीके से वीडियो बनाता रहा। यहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। राहुल जी अंदर जाकर सीधे अपनी शादी की मिन्नतें मांगने लगे कि हे ईश्वर, यहां से जाने के बाद मेरी शादी हो जानी चाहिए। फिर वापस आते हुए हमने छल्ला की लबदा फिरे गाना गा दिया और वापस घर आ गए।